दे, कोड डाल। कल हमने कहां तक कर लिया था बता दो जरा, बता दीजिए कहां तक कर लिया था हमने। बॉयल्स लो नहीं था बेटा, बॉयल्स टेम्परेचर था। देखो बॉयल्स लो तो कब का हो चुका है, वो तो पहली क्लास में हो गया था। बॉयल्स टेम्परेचर क्या होता था बता दो एक बार, बॉयल्स टेम्परेचर क्या होता था बता दो एक बार। यहाँ पर मेरी आइडियल गैस कैसे बिहेव करती थी, आइडियली। ठीक है बेटा, ठीक है, कैसे बिहेव करती थी, आइडियली। मेन उसकी वही है कि जहां पर मेरी रियल गैस आइडियली बिहेव करती है, उसको पहचानते कैसे। अगर कोई ग्राफ से पूछ ले तो क्या होता है, जो मेरा पीवी है ना, पीवी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट हो जाता है कुछ रेंज के लिए। ठीक है, उस टेम्परेचर पे कुछ रेंज के लिए जो मेरा पीवी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट हो जाता है, वो क्यों होगा, क्योंकि अब मेरी रियल गैस आइडियली बन गई। ठीक है, ठीक है, समझ गए। इन्वर्जन टेम्परेचर करा रहा हूँ बच्चे, अभी वही होगा। ठीक है, एक और चीज है, ध्यान देना, बस बता रहा हूँ। ठीक है, बस तुम्हें पता होना चाहिए, जैसे मेरा जेड वर्सेस पी का ग्राफ होता है ना, ठीक है, जेड वर्सेस पी का ग्राफ, तो याद करो उसका ग्राफ कुछ ऐसा बनता था ना, बोलो उसका ग्राफ कुछ ऐसा बनता था, ऐसा बनता था, नहीं बनता था बता दो, ऐसे बनता था। बेटा अभी पढ़ाई पर ध्यान दो, फालतू क्वेश्चन मत पूछो, पहले पढ़ाई के बाद में नॉर्मली बात करूँ तब करना। अगला कौन सा चैप्टर, ये सब करेंगे पहले, चैप्टर तो खत्म करें। ठीक है, तो ये ग्राफ होता था कुछ, तो मेरा बॉयल्स टेम्परेचर पे क्या होता है, ठीक है, बॉयल्स टेम्परेचर पे मेरी जो रियल गैस का ग्राफ होता है ना, या तो वो बिल्कुल आइडियल की तरह साथ आ जाता है, ठीक है, मतलब यहाँ पर ही उसके साथ ओवरलैप करता है, या उसके पैरेलल हो जाता है। ठीक है, मतलब जब इसको जूम करेंगे ना, जब इसको जूम करेंगे, जूम, ठीक है, मेरा दैट इज इक्वल टू 1 है, ठीक है, ये वाली लाइन, तो इसमें मेरा क्या होता है, री बॉयल्स टेम्परेचर पर मेरा क्या हो जाता है, जेड वर्सेस पी ग्राफ में मेरी क्या लाइन आ जाती है, जो ग्राफ बनता है, या तो वो बनेगा मेरा पैरेलल टू दिस लाइन, ठीक है, मतलब आइडियल वाली लाइन, या उसके साथ कोइंसाइड कर, ठीक है, छोटी सी बात है, बाय चांस कभी पूछ रहा है, पूछा नहीं है, लेकिन तुम्हें पता होना चाहिए कि होता है। ठीक है, एक तो क्या हो गया, पीवी कॉन्स्टेंट हो जाता है, दूसरा क्या हो गया, इस ग्राफ में मेरा ये या तो इसके साथ इसके पैरेलल हो जाता है, या फिर कोइंसाइड करने लगता है, ठीक है, इस एट लो प्रेशर वाला पार्ट। ठीक है, बस लो प्रेशर की बात कर रहा हूँ, जो स्टार्टिंग वाला प्रेशर है वहां। ठीक है, इतनी बात चमक गई, बोलो बोलो, इतनी बात चमक गई। ठीक है, मैंने तुम्हें बॉयल्स टेम्परेचर बता दिया, मैं तुम्हें छोटी सी बात पूछूं, बहुत मजेदार है। ठीक है, ठीक है, छोटी सी बात पूछूंगा तुमसे, ठीक है, मुझे एक बात बता दो, ये मेरा मान लो मेरा टीवी है, ठीक है, मेरा ये बॉयल्स टेम्परेचर, ठीक है, अगर मैं टेम्परेचर लेस देन, ठीक है, टीबी लेता हूँ, और मैं एक टेम्परेचर ग्रेटर देन टीबी लेता हूँ, तो तुम में से क्या पूछ रहा हूँ ये याद रखना, अगर मैं इससे लेस देन टीबी लेता हूँ, तो इस वाले पार्ट में मेरा अट्रैक्शन होता है ज्यादा, मतलब अट्रैक्शन डोमिनेट करता है, और इसमें मेरा रिपल्शन डोमिनेट करता है। ठीक है, समझ गए, बोलो समझ गए। ठीक है, अब बेटा तुम्हारा दिमाग बहुत चलने लग गया, ऐसा क्यों, ऐसा क्यों वाला बहुत बढ़िया बात है कि तुम्हारे माइंड में ये चीज आती है कि ऐसा क्यों हो रहा है। ठीक है, तो देखो टीवी पे मेरा क्या होता है, क्या जीरो होता था टीवी पे बता दो मुझे, टीवी मेरा क्या जीरो होता था, बी माइनस ए बाई आर टी इक्वल टू जीरो होता था, बोलो, होता था नहीं होता था। बहुत बढ़िया, तुम्हारे माइंड में क्वेश्चन आ रहे हैं, बहुत अच्छी बात, ठीक है, ये होता था। ठीक है, एक बार इन डायरेक्शन में क्या बोलता हूँ, बी इज इक्वल टू ए बाई टीवी होता था, बोल सकता हूँ, बोलो फटाफट बोलो, चमक रही है ना बहुत, मतलब कि अच्छे से बता दूंगा, ये वाली भूलोगे, ठीक है, ये वाली बात। अब मुझे एक बात बता दो, ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया, बी की वैल्यू और इसकी वैल्यू बराबर थी तभी जीरो आया होगा ना, ऑब्वियस ही बात है, जब ये दोनों की वैल्यू बराबर होगी तभी जीरो आएगा। ठीक है, अब मान लो मैं तुम्हारे लिए दो केस बना देता हूँ, ठीक है, मेरा अगर मैं कर रहा हूँ, ठीक है, मैं ऐसा लिख देता हूँ, शॉर्ट में तो समझा रहा हूँ, 10 में से अगर मैं 10/2 माइनस कर, ठीक है, 10 में से 20/2 माइनस कर रहा हूँ मैं, ठीक है, तो मुझे बता दो क्या आएगा, बोलो क्या आएगा, जीरो आएगा, तो मैं इसको इससे रिलेट कर पा रहे हो, बोलो इससे रिलेट कर पा रहे हो, यहां से तुम्हें एक चीज समझाने वाला, इससे रिलेट कर पा रहे हो बताओ। ठीक है, अगर मैं आप क्या करूं, ध्यान से सुनना, ठीक है, अगर मैं इस टू को, ठीक है, इस टू को डिक्रीज करूं, टू को अगर मैं इसको डिक्रीज कर दूं, टू का मतलब डिक्रीज करने का मतलब क्या होगा, मैं 1 कर दूं, ठीक है, बोलो, ठीक है बेटा, ये समझ नहीं आया, अगर ये समझ नहीं आया और क्या, कहां जाओगे,
ठीक है, 10 में से 20/2 माइनस करूंगा तो 0 आएगा ना, मैं नॉर्मल बता रहा हूँ। बोलो बोलो फटाफट बोलो। ठीक है, तो अगर ये मेरा 2 से छोटा करता हूं मैं, ठीक है 2 से मैं छोटा करता हूँ, ठीक है, तो मुझे बता दो ये ओवरऑल नेगेटिव वैल्यू क्या होगी, अगर मैं इसको छोटा करता हूँ, 10 से छोटी होगी 10 से बड़ी होगी। बोलो अगर मैं इसको 1 कर देता हूँ, मान लो 1, तो ये क्या बन जाएगा, 20/1 क्या हो जाएगा, क्या बन जाएगा मेरा ये 10/20 बन जाएगा, पहले क्या आ रहा था मेरा 10 आ रहा था, तो इनडायरेक्टली वाली वैल्यू बड़ी हो गई। बस बेटा मैं वैल्यू नहीं पूछ रहा इन दोनों की, ठीक है मैं दोनों की वैल्यू नहीं पूछ रहा, मैं बस ये पूछ रहा हूँ ये मेरा 10 - 20/2 था, ठीक है मान लो इसको इसको तुम बी के इक्विवेलेंट मानो, ठीक है इसको तुम ए के आसपास मानो, ए मान लो, और इसको तुम मान लो टी, ठीक है इसको इससे रिलेट करो, ठीक है अभी मेरा ये 10 था, ठीक है ये 20 था, ये टी था, ठीक है अब मैंने टी को कम कर दिया तो मेरी ओवरऑल वैल्यू क्या आ गई, ठीक है 20 आ गई, ठीक है 20 आ गई, वो 10 से बड़ी है, बोलो 10 से बड़ी होगी ना ये 20 वाली वैल्यू, इनडायरेक्टली क्या हो गया, ए फैक्टर जीता नहीं जीता, बी से जीत गया, तो यहाँ पर क्या होगा अट्रैक्शन, ए फैक्टर का मतलब क्या होता है अट्रैक्शन, अब समझ गए बोलो। ठीक है मतलब मैं इसको मैथमेटिकली भी लिख सकता था, मैं ये लिख सकता हूँ कि बी माइनस ए बाय आर टी क्या आ जाएगा, लेस देन 0 आएगा, नेगेटिव आएगा, वो मैं तुम्हें समझा ही दिया, ऐसे में डायरेक्टली इससे नहीं लिखा, जहां से तुम्हें अच्छा समझ आएगा। ठीक है मतलब क्या होगा, अगर मैं टेम्परेचर टीवी से छोटा कर दूंगा, मान लो मेरा टीवी था, टीवी से छोटा कर दिया, तो ये मेरी ओवरऑल वैल्यू क्या आ जाएगी, नेगेटिव, ठीक है और इनडायरेक्टली मुझे तो ये पता करना है अट्रैक्शन होता है, ठीक है इतनी बात समझ गए बोलो। ठीक है अब इधर केस में उल्टा हो जाएगा, मान लो मैं इसको 2 से बढ़ा के 5 कर देता हूँ, ठीक है 2 से बढ़ा के 5 कर देता हूँ, तो ये वाली वैल्यू छोटी हो गई, ठीक है ये वाली वैल्यू मेरी क्या हो जाएगी, ए की वैल्यू छोटी, तो जीत कौन जाएगा, बी। बी क्या करता है इनडायरेक्टली, साइज, साइज मतलब क्या रिपल्शन आएगा, ठीक है साइज ही तो बताता है, तो यहाँ पर मैं रिपल्शन फैक्टर जीत, ठीक है चमक गया, आप समझ गए। ठीक है अब अगली हेडिंग डालो इन्वर्जन टेम्पलेट, अब अगली हेडिंग डालो इन्वर्जन टेम्पलेट, बेटा इन्वर्जन टेम्परेचर थर्मो का पार्ट है, बेटा मैं तुम्हें वैल्यू सोल्व करना नहीं सिखा रहा था, मैं तुम्हें ये बता रहा था कि ए और बी में कौन जीतेगा, जो जीतेगा वो वाला फैक्टर डोमिनेट कर जाएगा, मैं बस ये बता रहा था, ठीक है ठीक है। अब देखो इन्वर्जन टेम्परेचर बहुत मजेदार चीज है, लेकिन थोड़ा सा इसमें एक दिक्कत है, इन्वर्जन टेम्परेचर अभी बताता हूँ क्या दिक्कत है, ठीक है इसको रिप्रेजेंट करते हैं टी आई से, ठीक है ये वाला टॉपिक है ना, ये वाला टॉपिक थर्मोडायनेमिक्स का है, ठीक है लेकिन इसका जो बॉयल्स टेम्परेचर है ना और इसका इसका फॉर्मूला लगभग बराबर आता है, ठीक है तो कई बार क्वेश्चन तुम्हारे टेस्ट में भी आ जाएंगे, तुम पूछोगे सर ये इन्वर्जन टेम्परेचर आपने कराया, ये थर्मो में बहुत डिटेल में करेंगे, यहाँ पर बस तुम उसकी डेफिनेशन लिख लो और फॉर्मूला लिख लो, हल्का समझा देता हूँ क्या होता है, ठीक है हल्का समझा देता हूँ, ठीक है बाकी पूरा डिटेल में हमने किसमें पढ़ना है बताओ, किसमें पढ़ेंगे बोलो, किसमें पढ़ेंगे पूरा, इसमें पढ़ेंगे थर्मो में, ठीक है तो इसको ज्यादा दिल पे मत लेना कि सर ये मुझे समझ नहीं आया कि क्या हो रहा है, इसमें मत जाना, थर्मो में पूरा यही पढ़ना, ठीक है तो देखो मान लो मेरा कंटेनर है, ठीक क्लोज कंटेनर है मान लो, ठीक है इसमें मैंने एक आइडियल गैस भरी, ठीक है अगर ये मेरा क्लोज कंटेनर आइडियल गैस, जब मैं इसको एक्सपेंड करता हूँ, एक्सपेंड मतलब क्या हो गया कि मैं इस पिस्टन को बाहर की तरफ खींच रहा हूँ, ठीक है मैं इस पिस्टन को बाहर की तरफ खींच रहा हूँ, तो मेरी गैस एक्सपेंड होगी, एक्सपेंड होगी, एक्सपेंड होगी, होगी नहीं होगी बोलो, होगी नहीं होगी, ठीक है तो इसमें क्या होता है आइडियल गैस में क्या होता है कि ये कूलिंग ही शो करता है, ठीक है मतलब बस एक छोटी सी बात बता रहा हूँ, ये बहुत बड़ा टॉपिक है, वहां भी तुम्हें टर्म्स भी नहीं पता थर्मो की, ठीक है तो उस टाइम पर कूलिंग हो, ठीक है वहां पर तुम पढ़ेगे कैसे हो रही है क्यों हो रही है, ठीक है वो कूलिंग होगी, जब खुली बैठेगी आराम से मजे से बैठेगी तो ठंडी हो जाएगी ना आराम से भाई, चिल हो गया, ऐसे होगा नहीं होगा, ठीक है ऐसे मान सकते हैं, ठीक है एग्जैक्ट लॉजिक तो वहां पर बताऊंगा, ठीक है जब ये मतलब एक्सपैंड होगी तो क्या होगी, कूल होगी, ठंडा होगा दिमाग, जब उसको मैं धक्का मार रहा था तो हमारा दिमाग गर्म गर्म था, ठीक है वो ठंडी होगी, ठीक है लेकिन जब मैं इसको क्या करता हूँ, जब मैं इसके अंदर आइडियल गैस की जगह ना रियल गैस डालता हूँ, ठीक है आइडियल गैस की जगह रियल गैस डालता हूँ, तो क्या होता है, तो मेरा ये होता है कि फिर मेरा बाहर का टेम्परेचर का रोल आ जाता है, ठीक है मान लो, ठीक है बाहर का टेम्परेचर कुछ टी है, ठीक है बाहर का टेम्परेचर कुछ है टी, ठीक है तो मतलब क्या हो गया, इस टेम्परेचर, ठीक है इस टेम्परेचर के ऊपर, ठीक है मान लो इस रियल गैस का टेम्परेचर है कुछ टी वन है, ठीक है ध्यान से सुनना,
इस रियल गैस का टेम्परेचर T1 है और इसका T2, ठीक है, और तुम क्या मान सकते हो, ठीक है, इस टेम्परेचर के ऊपर क्या होगा, अगर इस टेम्परेचर के ऊपर होगा इसका गैस का टेम्परेचर, तो मेरी गैस कौन सा इफेक्ट शो करेगी, ठीक है, वो इफेक्ट शो करेगी कूल हीटिंग, ठीक है, वो इफेक्ट शो करेगी हीटिंग, ठीक है। लेकिन जब अगर इसका इसका टेम्परेचर इससे कम हुआ, ठीक है, ये वाली गैस का टेम्परेचर, तो इफेक्ट कौन सा शो करेगी, कूल, ठीक है, कुछ भी नहीं है, एक टेम्परेचर जिसके ऊपर रियल गैस एक इफेक्ट शो करेगी, जिसके नीचे दूसरा इफेक्ट, और यहाँ पर इन्वर्जन हो रहा है ना, इससे ऊपर कूलिंग शो कर रही है, इससे नीचे हीटिंग शो कर रही है, ठीक है, ऐसा हो रहा है, तो इसी को, इसलिए हम इसको क्या बोल देते हैं, इन्वर्जन टेम्परेचर, ठीक है, ठीक है। पहले इसकी डेफिनेशन लिख लो, सिंपल सी है, पहले डेफिनेशन लिख लो, बता रहा हूँ ये वहां पर तुम अच्छे से पढ़ोगे कि यहाँ पर एडियाबेटिक वगैरह सब यूज होती है, ठीक है, तो लिख लो, डिफाइंड एज द टेम्परेचर, दोबारा रिपीट करता हूँ मैं, डेफिनेशन लिख लो, डिफाइंड एज द टेम्परेचर, तुम्हें जो फॉर्मूला देखना है इसका अभी, ठीक है, अभी तो तुम्हारा फॉर्मूला देखना, डिफाइंड एज द टेम्परेचर अबव विच रियल गैस ऑन एक्सपेंशन शोज हीटिंग व्हाइल बिलो इट शोज कूलिंग। समझ रहे हो, अब समझ आया, अब समझे, बोलो बोलो, ठीक है, मतलब क्या हो गया, मेरा एक ऐसा टेम्परेचर जरूर होगा, ठीक है, एक ऐसा टेम्परेचर जरूर होगा जिससे ऊपर मेरी गैस हीटिंग शो करेगी, जिससे नीचे मेरी गैस कूलिंग शो करेगी, एक्सपेंड होगी, ठीक है, पूरा लॉजिक वगैरह वहां पढ़ेंगे, बस इस डेफिनेशन को लिख लो और इसका फॉर्मूला लिख लेना, इसका फॉर्मूला जो होता है मेरा वो ट्वाइस ऑफ टीवी होता है, ट्वाइस ऑफ टीवी मतलब क्या हो गया, 2A/RT, ठीक है, ये मजबूरी है, यहाँ पर वैसे जरूरत है नहीं करने की, लेकिन तुम्हारे बुकलेट में एक आधा क्वेश्चन आ जाता है तो तुम जान खा जाते हो, सर इन्वर्जन टेम्परेचर नहीं करा, ये थर्मो का पार्ट है, बस इसका मतलब क्या है, एक ऐसा टेम्परेचर होगा जिसपे मेरी गैस जिसके ऊपर होगी अगर, ठीक है, वो हीटिंग शो करेगी, अगर नीचे होगी तो कूलिंग शो करेगी, ठीक है, इस टेम्परेचर पर मेरी इन्वर्जन हो रही है, ठीक है, इससे ऊपर कूलिंग, इससे ऊपर हीटिंग, इससे नीचे कूलिंग, तो इसी टेम्परेचर को हम क्या बोलते हैं, इन्वर्जन, यहाँ इन्वर्जन हो रहा है ना, ठीक है, कूलिंग और हीटिंग का, तो इसलिए इसको इन्वर्जन टेम्परेचर बोलते हैं, अब समझ गए, बोलो, अब समझ गए, ठीक है, बोलो, ठीक है, तो बेटा वो आइडियल की तरह काम करने लग जाती है, ठीक है, वो वहां पे डिस्कस करेंगे बेटा, वो वहां पर डिस्कस करेंगे थर्मो, ठीक है, आइडियल गैस के लिए ये चीज होती है, ठीक है, वहां पर बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है, उसके बाद एक और चीज लिख लो, ठीक है, एक और चीज लिख लो, इंपॉर्टेंट है, फॉर आइडियल गैस, आइडियल गैस की बात करें अगर, ठीक है, मेरा जो क्रिटिकल टेम्परेचर होता है वो 0 केल्विन होता है, क्रिटिकल टेम्परेचर, ध्यान रख, क्रिटिकल टेम्परेचर 0 केल्विन होता है, ठीक है, ये मुझे क्या बताता है, ठीक है, क्रिटिकल टेम्परेचर मेरा 0 केल्विन होता है, ठीक है, मतलब क्या हो गया, तुम यहाँ से भी इसको देख सकते हो, क्रिटिकल टेम्परेचर का फॉर्मूला क्या होता है, A/27 Br, अगर मैं TC 0 हो गया तो ये 0 हो गया, ठीक है, अगर ये 0 हो गया, ठीक है, तो मैं क्या बोल सकता हूँ, मेरे अंदर कोई अट्रैक्शन ही नहीं बचा, ठीक है, अगर अट्रैक्शन नहीं बचा तो मैं क्या बोल सकता हूँ, आइडियल गैस कांट बी लिक्विफाइड, समझ रहे हो, इतनी बात समझ गए, बोलो, इतनी बात समझ गए, ठीक है, ये वाली बात का ध्यान है ना, आइडियल गैस के लिए मेरा क्रिटिकल टेम्परेचर 0 केल्विन होता है, इसलिए बोलते हैं आइडियल गैस लिक्विफाई नहीं हो सकती, क्योंकि ए की वैल्यू 0 आ गई, ठीक है, क्योंकि अब तुम सोचोगे सर अगर हम 0 से नीचे ले जाए, बेटा तुम्हें पता ही है 0 केल्विन इतना मुश्किल होता है, ठीक है, तुम्हें पता ही है, तो उसे नीचे क्या लेके जाओगे, ठीक है, इसलिए इसको हम लिक्विफाई नहीं कर पाते गैस को, ठीक है, समझ गए, बोलो, ठीक है, अब छोटी छोटी चीजें बची है, बहुत छोटी छोटी चीजें, ठीक है, उसको हम फटाफट खत्म कर लेते हैं, ठीक है, अगली हेडिंग डाल लो, बर्थलोट इक्वेशन, बेटा इस इक्वेशन को तो बस एक बार उसकी मुंह दिखाई कर लेते हैं, ठीक है, बस तुम्हें मुंह दिखाई करनी है और कुछ भी नहीं, ठीक है, भाई इसकी मुंह दिखाई कर लो, कितना शगुन डालोगे मुंह दिखाई पे, कितने शगुन डालोगे, ठीक है, ये बर्थलोट इक्वेशन है, इसका हमें कुछ भी नहीं करना,
यहाँ पर मेरे जो ए और बी है ना, ये बर्थ और कॉन्स्टेंट, ठीक है, ये वन वन डबल कॉन्स्टेंट नहीं है, उसने अपने कॉन्स्टेंट दिए थे, ठीक है, मतलब इनकी वैल्यूज उसके वाली नहीं होगी जो वन डबल कॉन्स्टेंट की होती है, ठीक है, बस ये बाकी सही है। देखो फर्क क्या आ रहा है तुम्हें, दिख रहा है वन डबल और इसमें फर्क क्या है, वन डबल और इसमें कोई बता सकता है, इसका फर्क आता है, ठीक है, और बाकी और बी की वैल्यूज भी डिफरेंट होती है, ठीक है बेटा। मोलर वॉल्यूम, जब हम वन मोल के लिए बात करते हैं बेटा, तुम अभी तक ये चीज समझे नहीं क्या, वीएम का मतलब क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ वन मोल, जब मैं वन मोल के लिए बात कर रहा हूँ तो उसको वीएम लिख देते हैं, अभी तक ये वाली बात समझे क्या, नहीं क्या, मोल में की तो थी, ठीक है, आगे बढ़े, ठीक है, अगली इक्वेशन लिखो, डायएट्रिटिस इक्वेशन, डायएट्रिटिस इक्वेशन, ठीक है, वो ये तो इसकी तो और मुंह दिखाई देनी है, इसको तो आता शुरू देना, ये तो और ज्यादा बेकार है, ये मतलब इसका कोई मूल्य नहीं है हमारी जिंदगी में अभी, ठीक है, P e to the power a by V m R t, ठीक है, V m minus B is equal to R, ठीक है, मतलब कि इसका तो कोई मतलब इसको तो इज्जत देने की जरूरत ही नहीं, बिल्कुल ही, इसका तो बिल्कुल ही, बस बस एक देख लो, 5 रुपए, इसको तुम 11 रुपए डाल रहे थे ना शगुन, इसको 5 रुपए का डालना, ठीक है, बोलो, हाँ बस रीड कर लो, बस शगुन ही तो डालना है, शक्ल याद रखते हो जब पहली बार मिलने जाते हो, इसको शगुन डालने जाते हो, शक्ल याद थोड़ी रहती है, और उसका ये पता होता है कि ढांचा क्या है, ठीक है, ढांचा पता होना चाहिए बस, ठीक है, इतना तो, ये तो आसान सी है, इसमें बस टी ऐड हुआ और कुछ भी नहीं हुआ, ठीक है, बोलो, समझ गए, समझ गए, हाँ बेटा, ये इसके इसके अपने कॉन्स्टेंट है, ये और बी, ठीक है, ये और बी इसके कॉन्स्टेंट है इस बंदे के, ठीक है, डायट्रिसिस कॉन्स्टेंट, ठीक है, ये अपने इसके कॉन्स्टेंट है, सबके अपने अपने कॉन्स्टेंट है, ठीक है, ठीक है, 1 रुपया डाल दो यार तुम, 1 रुपया डाल दो, लो इसको भी 1 रुपया डाल दो, दोनों ही बस नाम के लिए था, ठीक है, हमें बस उनकी शक्ल देख रहे हैं, ठीक है, बड़े आगे बोलो बोलो, अब मैं तुम्हारे फेवरेट टॉपिक करवा दूं, पेलोड, पेलोड के पीछे पड़े हुए थे, ठीक है, इन्वर्जन टेम्परेचर तो हो गया, ठीक है, अभी नोट ही नहीं किया बेटा, किसी से ले लेना, आगे बढ़ते हैं, कर दिया ना, इसमें कुछ था ही नहीं, पेटीएम कर दो, हाँ कर दो, पेटीएम कर दो, देखता हूँ कितने बच्चे करते हैं पेटीएम, ठीक है बेटा, छोटे छोटे टॉपिक बचे हैं बेटा, बेटा इतनी देर तो टाइम दे दिया, तो और क्या लोगे यार, लो कर लो, कर लिया, फटाफट करो, बहुत ढीले बच्चे हो, गया बेटा, जल्दी तो खत्म नहीं होगी, अभी तुम्हारा एक एक और टॉपिक बचा है, इसके बाद, उसके बाद मैं तुम्हें वेपर प्रेशर वगैरह भी थोड़ा सा आइडिया देता, ठीक है, कर लिया बेटा, मोलर वॉल्यूम, मोलर वॉल्यूम कितनी बार बताऊं, वी एम का मतलब मोलर वॉल्यूम होता है, ई एम कोई अलग नहीं है, इसका इसका शरीर का अंग ही है, शरीर का अंग ही है ये, इसका वीएम का मतलब मोलर वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ वन मोल ऑफ गैस, कितनी बार बता चुका हूँ, मेरा गला थक गया बताते बताते, ठीक आज के बाद मैं इसको कभी नहीं बताऊंगा, 100 बार बता चुका हूँ वीएम का मतलब क्या होता है, जब मैं 1 मोल के इक्वेशन को लिखूंगा तो उसको मोलर वॉल्यूम बोल देते हैं, वीएम लिख देते हैं, ठीक है, तुम वीएम नहीं लिखना, तुम एन मोल्स के लिख रहे, खाली भी लिख लो, इसके बाद नहीं बताऊंगा मैं, ठीक है, आगे बढ़ रहे हैं हम, एडिंग डालो पेलोड, एडिंग डालो पेलोड, पेलोड तुम्हारा पता नहीं क्या ऐसा वो हो गया कि पेलोड के तो बहुत प्यार हो गए, पेलोड नहीं हुआ अभी तक, तो पेलोड नहीं हुआ, ठीक है, तो पेलोड कर लो आज तो, ठीक है, एडिंग डालो पेलोड, ठीक है, कुछ भी नहीं होता, ठीक, कुछ भी नहीं होता, एक बार बताओ, मेरा एक बैलून है, ठीक है, एक बैलून है, ठीक है, इसके ऊपर तुम बैठे होते, याद है ना, ऐसा कुछ होता है, ठीक है, यहाँ पर मान लो तुम बैठे हो सारे बच्चे, ठीक है, इस बैलून में यहाँ पर तुम्हारी कोई गैस है, मान लो हीलियम, मान लो, ठीक है, ये हीलियम गैस है, यहाँ पर तुम बच्चे बैठे हो सारे, तो पेलोड क्या होता है, वो तुम्हारा भार कितना सह सकता है बैलून, ठीक है, कितना ये तुम्हारा वेट को लिफ्ट कर सकता है बैलून, उसी को पेलोड बोलते, ठीक है, तो पेलोड क्या हो गया,
द मैक्सिमम वेट दैट कैन बी लिफ्टेड बाय अ बैलून, एयर बैलून, ठीक है, मतलब कि उसमें कोई तो एयर ही होगी, ठीक है, तभी उड़ेगा, वरना उड़ेगा थोड़ी, ठीक है, तो लिख सकते हो, क्या लिखोगे, ठीक है, मैक्सिमम वेट दैट कैन बी लिफ्टेड बाय अ बैलून, समझ गए, है क्या, समझ रहे हो ना, मानो तुम बैठ गए, ठीक है, तुम बैठ गए, ठीक है, अब मैं कह रहा हूं बैलून उड़ उड़, तो इसका मतलब क्या हो गया, अगर उसने तुम्हारा वजन को उठाने के, कितना उठा सकता है तुम्हारा वजन, मान लो तुम्हारा वजन 200 किलो है, ठीक है, मान लो 200 किलो है, देखते हैं, अगर 200 एक भी बैठ जाएगा ना, तो ये बैलून उड़ेगा, मतलब क्या हो गया, 200 उसका पेलोड था, इतना ही वो मैक्सिमम वेट उड़ा सकता था, इससे ज्यादा बैठ गया ना, फुस हो जाएगा बेचारा, उड़ ही नहीं पाएगा, ठीक है, समझ गए, बोलो तुम्हें पता है बायंसी क्या होता है, बायंसी पता है सबको, पता है बायंसी पढ़ रखा है, क्या होता है बायंसी बताना, अपथ्रस्ट को बोलते हैं, ठीक है, अब एक बात बताओ, ठीक है, इस बैलून में, चलो मैं तुम्हें थोड़ा सा आइडिया दे देता हूँ कि फॉर्मूला कैसे आता है, वरना तुम रट्टा मार के थक जाओ, ठीक है, एक बात बता दो, ठीक है, इसमें मान लो ये बंदे बैठे हैं, ठीक है, ठीके? ये बंदा अंश कोई भी बैठे, कौन बैठेगा इसमें, कौन उठना चाहेगा, जल्दी बता दो, ये कौन बैठना चाहेगा, जल्दी बोल दो, ठीक है, सब बैठ जाओ, जो बोल रहे हैं अमीश, तेजस, वासु, सब बैठ रहे हैं, हार्दिक, अंश, सब बैठ जाओ, ठीक है, सब हिमांशु, रिधम, सब इसमें बैठे हुए, ठीक है, सब बैठे हुए, तो एक बात बता दो, तुम सब इस पर एक फोर्स लगा रहे होगे जो कि नीचे की तरफ होगा, बोलो वो फोर्स किसके इक्वल होगा, ठीक है, वो किसके इक्वल होगा बता दो, ठीक है, तो मैं क्या बोल सकता हूँ, मास ऑफ पेलोड, ऐसे बोल सकता हूँ, पेलोड, तुम पेलोड ही तो और क्या हो, ठीक है, और उसको जी से मल्टीप्लाई कर लो, ठीक है, तुम धरती पे बोझ ही तो और क्या हो, ठीक है, तो उसको जी से मल्टीप्लाई करूंगा, तुम इस बैलून के लिए बोझ हो, सॉरी, ठीक है, तब तो क्या होगा, ठीक है, तो इस पर तुम बैठे हो, ठीक है, तो ये फोर्स नीचे की तरफ लगे, उसको मैंने F1 दे दिया, ठीक है, समझ गए, उसके बाद देखो इसके अंदर जो मेरी गैस भरी हुई है, जो गैस भरी हुई है, ये जो मेरी गैस भरी हुई है, वो फोर्स भी मेरा नीचे की तरफ लगाएगी, मतलब उसका भी तो कुछ वेट होता है ना, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, उसका मैं बोलता हूँ मास ऑफ गैस इंटू जी, बोल, वो भी नीचे की तरफ लगेगा, ठीक है, बेटा बैलून के लिए तो बोझ ही हो ना तुम, भाई बैलून के लिए तो बोझ है, उसका तुम्हें ऊपर लेके जाना है, ठीक है, तो ये मास ऑफ गैस इंटू जी लिख सकता हूँ इसको, बोलो बोलो, ये भी मेरा नीचे की तरफ लगेगा, ठीक है, मतलब ये क्या होगा, गैस भी तो भारी होती है ना, वो भी तो बेचारा, उसमें भी तो ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा होगा, ठीक है, अभी जो बैलून है, बैलून जिसका बना हुआ है, इतना बड़ा बैलून है, ये हल्का वेट का थोड़ी होता है, तो ये भी अपना वेट नीचे की तरफ लगाएगा F3, तो इसको मैं क्या बोल सकता हूँ, मास ऑफ, ठीक है, बैलून जिससे बना हुआ है इनटू जी, बोलो बोलो, समझ गए, ठीक है, बैलून का मतलब है जिस जिस उससे बना हुआ हो, ठीक है, जिस भी क्या बोल सकते हैं उसको, मटेरियल से बना हुआ, ठीक है, उसका नीचे लगे, इसका नीचे, इसका नीचे, उसके बाद भी ये जो बैलून है वो क्या, हवा को चीरता हुआ आसमान को फाड़ता हुआ ऊपर की तरफ जा रहा है, ऊपर की तरफ जा रहा है, बोलो, ठीक है, तो वो जो तुम्हारा ऊपर की तरफ जा रहा है, ठीक है, ऊपर की तरफ जा रहा है, उसको मैं F4 बोलता हूँ, और यही मेरा कौन सा फोर्स होता है, बायंड फोर्स होता है, ठीक है, बायंसी लग रही है इधर, ठीक है, तो मैं उसको बायंड फोर्स बोल सकता हूँ, उसको मैंने क्या बोल दिया, F4, ठीक है, बोलो, समझ गए, बोलो बोलो, ठीक है, अब ये बाय एंड फोर्स कितना होता है, अभी उसके बारे में जानते हैं, देखो एक बात बताओ, ठीक है, एक बात बताओ, ये एयर को चीरता हुआ जा रहा है कि भाई मैं तो तुमको उड़ा के आऊंगा, घुमा के आऊंगा, ठीक है, एयर को चीरता हुआ जा रहा है, ठीक है, एक बात बताओ, ये बैलून एयर की कितनी वॉल्यूम को डिस्प्लेस करेगा, ये बता दो, वो एयर की कितनी वॉल्यूम को डिस्प्लेस करेगा, ये बताना, ठीक है बेटा, ये बाय एंड फोर्स है, अप थ्रस्ट होता है ना, ठीक है, मतलब कि यही फोर्स तो तुम्हें ऊपर की तरफ लेके जा रहा है, अगर ये ना होता तो तुम ऊपर कैसे जाते, बायंड फोर्स होता है, तो फिजिक्स का पार्ट है ये, तो मैं फिजिक्स में ज्यादा घुस गया, क्योंकि मैंने बस तुम्हें ये दिखाना चाह रहा था, ये तीन फोर्स नीचे लग रहे हैं, एक फोर्स ऊपर लग रहा है, ठीक है, एक बार बता दो अभी कितना कितना यहाँ पर जो एयर होगी, ठीक है, यहाँ पर एयर तो होगी, वो उसको फाड़ता हुआ आसमान को चीरता हुआ ऊपर की तरफ तुम्हें लेके जा रहा है, वो कितनी वॉल्यूम ऑफ एयर को डिस्प्लेस करेगा, मतलब कि भाई अपने आसपास वाली वॉल्यूम को तो साइड में करेगा ना भाई, हट मुझे जाने दे, यही होगा, बोलो, ठीक है, वॉल्यूम वॉल्यूम ऑफ बैलून, तो इस बात का ध्यान देना, ठीक है, तो मेरा जो वॉल्यूम ऑफ एयर डिस्प्लेस होती है, ध्यान रखना, किसके इक्वल होती है, वॉल्यूम ऑफ बैलून, ठीक है, जितनी
मेरी डिस्प्लेस होगी वॉल्यूम, वो वॉल्यूम ऑफ बैलून के इक्वल होगी। और वॉल्यूम ऑफ बैलून क्या होगा तुम्हें पता ही है, जनरली वो हम उसको स्फेरिकली मानते हैं, ठीक है स्फेरिकल होगा। जब तक तो नहीं देगा तुम स्फेरिकल मारोगे तो तुम कैसे निकाल सकते हो उसका, या तो गिवन होगा या तुम इसको ऐसे निकाल सकते, ठीक है समझ रहे। या तो दे ही देगा एग्जाम में डायरेक्ट कि उसकी वॉल्यूम इतनी है, ठीक है वॉल्यूम ऑफ बैलून इतनी है, या वो तुम्हें क्या रेडियस दे देगा, तुम उससे आर निकाल सकते हो पूरा 4/3 πr³ करके वॉल्यूम निकाल लो, बोलो बोलो। लेकिन ये जो मेरा 4F4 है ये मेरा किसके इक्वल हो जाएगा, मास ऑफ गैस इनटू एयर इनटू जी, मतलब क्या हो गया एयर की मास के जितना उसने डिस्प्लेस किया इनटू ग्रेविटेशनल फोर्स। तो मैं क्या बोल सकता हूँ यहाँ पर, मैं ये बोल सकता हूँ F4 किसके इक्वल होगा, F1 + F2 + F3 + F4, बोलो ये बोल सकता हूँ, बोलो। नेट फोर्स तो निकालना है, एक ऊपर की तरफ है 3 नीचे की तरफ, ठीक है तो ये होगा। तुम फिजिक्स में पढ़ते हो ना चीजें, हाँ बेटा आर्किमिडीज प्रिंसिपल उसी के जाता है, अच्छा हाँ बहुत बढ़िया, ठीक है तो ये वाली बात सब पढ़ते हैं, बोलो बोलो ये समझ गए, ठीक है। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ जी, बेटा बायंट फोर्स तो ऊपर की तरफ लग रहा है बस, बाकी तीनों नीचे की तरफ लग रहे हैं, ठीक है दोनों को हमने बस इक्वल किया, ठीक है। तो मैं इसको क्या बोलता हूँ, जी इंटू मास ऑफ एयर इज इक्वल टू, मैं इसको क्या बोलता हूँ पेलोड, ठीक है पेलोड F1 मैंने किसको माना था, F1 मेरा पेलोड था ना, इसको पेलोड मान लेता हूँ, ठीक है। F2 क्या था मेरा, ठीक है इसको पेलोड को भी मैं ऐसे लिख देता हूँ ताकि तुम्हें समझ आ जाए, ठीक मास ऑफ पेलोड तुम्हें बस फॉर्मूला याद रखना है, ठीक है इनटू जी, ठीक है प्लस F3 क्या था मेरा, मास ऑफ बैलून, इसको मैं हटा रहा हूँ, ठीक है इसको मैं हटा रहा हूँ, ठीक है ये क्या हो गया मेरा पेलोड, मास ऑफ गैस इंटू जी प्लस मास ऑफ बैलून इंटू जी, इतनी बात समझ गए सब, बोलो। ये लिख सकता हूँ जी से जी ये सारे कैंसिल हो जाएंगे, बोलो बेटा एक ही तरफ है, ओ सॉरी एक ही तरफ आएगा बेटा एक ही तरफ, ठीक है ये आएगा, बोलो बोलो इतनी बात समझ गए, एयर ये इक्वल हो जाएगा, ठीक है। तो मैं पेलोड क्या बोल सकता हूँ, ठीक है मास ऑफ पेलोड बोल रहे या पेलोड बोल रहे की बात है, ठीक है मैं क्या बोल सकता हूँ, मास ऑफ एयर में से मुझे क्या माइनस कर देना, मास ऑफ गैस प्लस मास ऑफ बैलून। तो कई बार वो तुम्हें ये डायरेक्ट पूरा ही दे देता है कि मेरा एक एयर बैलून है जिसके अंदर गैस इतनी है और उसका वेट इतना है, तो वो तुम्हें कंबाइंड भी दे सकता है कई बार, ठीक है। तो मेरा मास ऑफ पेलोड का ये फॉर्मूला बनना, तुम्हें बस ये फॉर्मूले को समझना, ठीक है तुम डायरेक्टली याद कर सकते हो, लेकिन अब तुम भूलोगे नहीं अगर तुम ऐसे याद करोगे ना कि फॉर्मूला क्या होता है, ठीक है सिंपल सा है, लेकिन अगर तुम थोड़ा सा इसको फिजिक्स यूज करके याद करोगे तो भूलोगे, ठीक है समझ गए, बोलो बोलो। इसको मैं एक और तरीके से लिख सकता हूँ, ठीक है मैंने तुम्हें अभी अभी बताया मास ऑफ एयर मेरा क्या हो सकता है, ठीक है वॉल्यूम ऑफ एयर इंटू उसकी डेंसिटी, बोलो ये लिख सकता हूँ, ठीक है ये लिख सकता हूँ ना वॉल्यूम ऑफ एयर इंटू डेंसिटी ऑफ एयर को मास ऑफ एयर, ठीक है माइनस मास ऑफ गैस प्लस मास ऑफ बैलून, ये लिख सकता हूँ, ठीक है। तो अब एक बार बताओ मेरा वॉल्यूम ऑफ एयर मुझे अगर निकालना तो मैं कैसे निकालूंगा, यहां पर जाऊंगा इस बाबा से पूछूंगा, बाबा कितना वॉल्यूम ऑफ एयर है, तो मैं क्या बोल दूंगा, बेटा जितना वॉल्यूम ऑफ बैलून है उतना ही मेरा वॉल्यूम ऑफ एयर हो जाएगा, बोलो समझे नहीं समझे, जब हम क्वेश्चन करेंगे वहां समझ आ जाएगा, लेकिन बस ये दो फॉर्मूले को ध्यान रखना, ठीक है। अब क्वेश्चन करें, कर लोगे क्वेश्चन, ठीक है क्वेश्चन देता हूँ, बहुत सिंपल से होते हैं, बस वैल्यूज पुट करनी है, ठीक है बहुत सिंपल से क्वेश्चन होते हैं, वैल्यू पुट करनी होते हैं। लिखो क्वेश्चन, अ बैलून विद वॉल्यूम, लिख लो ठीक है। अभी नोट ही नहीं किया यार, तुम क्या कर रहे हो आजकल, तुम पहले तो साथ साथ नोट कर लेते थे, अब तुम आराम से नोट करते हो, फॉर्मूला लिख देता हूँ दोबारा, कुछ भी नहीं, जो मेरा पेलोड है वो क्या मेरा क्या मास ऑफ एयर माइनस क्या हो जाता था, मास ऑफ गैस प्लस मास ऑफ बैलून, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, वॉल्यूम ऑफ एयर इनटू डेंसिटी ऑफ एयर, ठीक है इसको माइनस मास ऑफ गैस प्लस मास ऑफ बैलून, ठीक है कई बार वो दोनों का इकट्ठा दे देगा, ठीक है समझ गए, लिख लिया ठीक है, लिख लो चलो फटाफट लिख लो, फॉर्मूला लिख लो, डेरिवेशन में तो कुछ था ही नहीं वैसे भी, तुम खुद ट्राई कर सकते, ठीक है कर लिया। अब क्वेश्चन लिखो, अ बैलून विद वॉल्यूम,
क्वेश्चन लिखो, अ बैलून विद वॉल्यूम फोर टू डबल जीरो मीटर क्यूब इज फिल्ड विद अ गैस इज फिल्ड विद अ गैस कौन सी गैस? हीलियम गैस लिख लो इसको, हीलियम, ठीक है, इज फिल्ड विद अ हीलियम गैस एट 300 केल्विन एंड 1 bar प्रेशर. And is found to weigh 700 kg. If density of air is 1.2 kg per meter cube. Then payload of balloon is इस क्वेश्चन को कर दो फटाफट, ट्राई करो एक बार, फिर मैं तुम्हें करवाता हूँ. सिंपल सा क्वेश्चन है ये, तो एक बार इस क्वेश्चन को ट्राई करो. क्वेश्चन को समझना क्या बोल रहा है वो, एक बार ट्राई कर लो इस क्वेश्चन को. ठीक है, ट्राई करो इस क्वेश्चन को. कर लिया? कर लिया क्या आंसर आ रहा है? चलो मैं करवा देता हूँ, सिंपल से. ठीक है बेटा, आंसर बता दो फिर मैं करवाऊँ. ठीक है, क्योंकि लाइट चली गई है तो मुझे यहाँ पर आके देखना पड़ेगा. ठीक है बोलो. ठीक है देखो, सिंपल सा क्वेश्चन है, इधर ध्यान दो. ठीक है, उसने मुझे क्या बोला है, अब बैलून, सबसे पहले तो फॉर्मूला लिख लो. ठीक है, मेरा पेलोड जो होता है, पेलोड वो किसके इक्वल होता है? मास ऑफ एयर. ठीक है, मास ऑफ एयर माइनस मास ऑफ बैलून प्लस मास ऑफ गैस. ठीक है, इसका इक्वल होता है. अब देखो मुझे उसने क्या बोला, बैलून विद वॉल्यूम, इतनी वॉल्यूम है. ठीक है, इज फिल्ड विद हीलियम गैस एट 300 केल्विन एंड 1 bar प्रेशर एंड इज फाउंड टू वेट. ठीक है, उसने मुझे क्या बोल दिया, मैंने एक बैलून में क्या, मतलब बैलून में गैस भरी और उसका वेट देखा, तो उसका वेट मेरा कितना आ रहा है, 700. ठीक है, तो मेरी ये वाली वैल्यू कितनी होगी, 700 होगी. बोलो, उसने मुझे बोला कि दोनों का वेट 700 है. बोलो, इतनी बात समझ गए. ठीक है, उसके बाद मुझे मास ऑफ एयर पूछा है, तो मास ऑफ एयर को क्या बोल सकता हूँ. ठीक है, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, वॉल्यूम ऑफ एयर इनटू डेंसिटी ऑफ एयर. बोलो, ठीक है, माइनस 700. ठीक है, उसके बाद मैं वॉल्यूम ऑफ एयर निकाल लूंगा. ठीक है, तो मुझे वॉल्यूम ऑफ बैलून दे रखी है. ठीक है, तो मुझे पता है वॉल्यूम ऑफ एयर डिस्प्लेस किसके इक्वल होती है, वॉल्यूम ऑफ बैलून के. ठीक है, तो मुझे कुछ भी नहीं करना, 4200 एयर की डेंसिटी कितनी है, 1.2, मेरे 700 माइनस कर देना. ठीक है, इसको सॉल्व करना तो आंसर आएगा 4050. ठीक है, माइनस 700, तो मेरा क्या आ जाएगा, 4340 केजी. ठीक है, समझ गए? बोलो, ये वाली बात समझ गए? बोलो, सब कितने बच्चों का ये आया? ठीक है, कितने बच्चों का ये आया, आ गया, बढ़े आगे. अगला क्वेश्चन लिखो. अ बैलून ऑफ डायमीटर 20 मीटर वेज 100 kg It is filled with helium gas at 1 atm. It is filled with helium gas at 1 atm and 300 Kelvin. Given density of air 1.2 kg per meter cube. Given density of air 1.3 kg per meter cube. ठीक है, समझ गए? इस क्वेश्चन को सोल्व करो, पेलोड निकालना, फाइंड पेलोड. ठीक है, फाइंड पेलोड. ठीक है बेटा, लिख देता हूँ एक बार. ठीक है, मुझे क्या डायमीटर कितना गिवन है. ठीक है, बैलून का डायमीटर है 100 के 20 मीटर. ठीक है,
बैलून का वेट क्या है? 100 kg। ठीक है, इस बैलून में मैंने हीलियम गैस भरी है, ठीक है, कितने पे? 1 atm, ठीक है, और 300 केल्विन प्रेशर पे, और डेंसिटी ऑफ एयर है 1.2 kg/m। अब कर लो, ठीक है, ये मैंने सारा डाटा दे दिया। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को कर लो, फटाफट करो। बहुत बढ़िया, एक बच्चे का आंसर आ गया, लेकिन थोड़ी सी गलती कर दी थी, थोड़ी सी गलती कर दी। आंसर अराउंड आएगा 4 to 4, 4 to 4 kg, 4 to 4 kg अराउंड। ठीक है, ठीक, तो इसमें क्वेश्चन करके दिखा देता हूँ, सिंपल सा क्वेश्चन है, ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन है, ध्यान देना। ठीक है, मेरा फॉर्मूला क्या होता है? सबसे पहले फॉर्मूला लिख लिया करो। ठीक है, मेरा जो पेलोड होता है वो तो किसके इक्वल होता है, याद ही करवा दूंगा मैं तुम्हें, लिखवा लिखवा, मास ऑफ एयर माइनस मास ऑफ गैस प्लस मास ऑफ बैलून। बोलो इतनी बात सबको क्लियर है? ठीक है, उसके बाद देखो मैं इसको क्या बोल सकता हूँ, वॉल्यूम ऑफ एयर, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ एयर इंटू यहाँ पर क्या आ जाएगा, डेंसिटी ऑफ एयर माइनस, ठीक है, मास ऑफ गैस, मास ऑफ गैस कुछ गिवन है? बताओ, मास ऑफ गैस कुछ गिवन है? नहीं गिवन, लेकिन मैं इनको अच्छे से बताया, पीवी इज इक्वल टू डब्ल्यू बाय एम आर टी होता है। ठीक है, तो मैं डब्ल्यू क्या हो जाएगा, पीवी एम बाय आर टी, बोलो होगा नहीं होगा? तो ये मेरा वेट ऑफ गैस हो जाएगा, बोलो, ठीक है, ये होगा नहीं होगा बता दो मुझे, बोलो बोलो बोलो, यही होगा? पहले ये बताओ, ये समझ गए ना कि मेरा जो मास ऑफ गैस है, ये मेरा मास ऑफ गैस ये रहा, इसको एम ही लिख देता हूँ, ठीक है, स्मॉल एम लिख रहा हूँ, ठीक है, इसको स्मॉल एम मान लो। ठीक है, तो मैं इसको यहाँ पर ऐसे लिख सकता हूँ, पी वी एम बाय आर टी प्लस मास ऑफ बैलून कितना गिवन है, 100 kg। लो हो गया तुम्हारा क्वेश्चन, ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन था। हाँ बेटा, पिछले क्वेश्चन में उन्होंने मुझे ये दिया था कि मेरा एक हीलियम का बैलून है जिसका वेट है इतना, यहाँ पर उन्होंने क्या बोला है, एक मेरा बैलून है जिसका वेट है इतना, जिसके अंदर इतनी हीलियम गैस है। क्वेश्चन का फर्क देखो, क्वेश्चन में फर्क देखो, वहां पर मैंने बोला था एक हीलियम का बैलून है जिसका वेट इतना है, यहाँ पर एक हीलियम का बैलून है, ठीक है, हीलियम एक बैलून है जिसका वेट है 100 kg, उसमें हीलियम है इतने प्रेशर और इतने उसपे, ठीक है, तो दोनों में यही फर्क था। ठीक है, तो ध्यान देखो, प्रेशर मुझे कितना गिवन है 1 atm, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ, ये वॉल्यूम किसकी होगी, वॉल्यूम ऑफ बैलून के इक्वल, वॉल्यूम होगी या नहीं होगी, ठीक है, यही होगी नहीं होगी बेटा, ये फॉर्मूला पता है सबको, ये बता, ये फॉर्मूला समझ आ गया, ये फॉर्मूला समझ आ गया, बोलो ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो, पिछले क्वेश्चन में मैंने क्या बोला था, मैं पिछला क्वेश्चन रिपीट करता हूँ, मेरा पिछला क्वेश्चन था, अ बैलून विद वॉल्यूम 4200 इज फिल्ड विद हीलियम गैस एट 300 केल्विन एंड 1 बार प्रेशर एंड इज फाउंड टू वेट 700 kg। जिसका मतलब क्या हो गया कि मैंने सारा कुछ भर दिया, उसके बाद उसका वेट है मेरा 700 kg। और इस बार मैं क्वेश्चन क्या बोल रहा हूँ, इस बार क्वेश्चन बोल रहा हूँ, अ बैलून ऑफ डायमीटर 20 m वेट 100 kg, मैंने कई बार बोला कि उसके अंदर गैस है, उसके बाद बोला इट इज फिल्ड विद हीलियम गैस एट 1 atm एंड 300 केल्विन। बेटा तुम इंग्लिश में भी डिफरेंस नहीं कर पा रहे, उसमें मैंने उन दोनों का मिला के मास दिया था, यहाँ पर मैंने बैलून का अलग मास दिया और गैस का मैंने अलग मास दिया, अब समझ गए, बोलो, ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पर मेरा क्या हो जाएगा, 1 वॉल्यूम ऑफ बैलून डिवाइडेड बाय आर, ठीक है, इंटू टी, टी की वैल्यू भी 300 है ना, ठीक है, यही गिवन है। ठीक है, तो अब देखो वॉल्यूम ऑफ एयर की जगह भी मैं क्या लिख सकता हूँ, वॉल्यूम ऑफ बैलून लिख सकता हूँ, बोलो, वॉल्यूम ऑफ बैलून इंटू डेंसिटी ऑफ एयर माइनस प्रेशर कितना है, 1 इंटू वॉल्यूम ऑफ बैलून बाय आर इंटू टी, ठीक है, प्लस 100 kg, बोलो ये लिख सकता हूँ, ठीक है, बोलो, ठीक है बेटा, यहाँ पर, हाँ यहाँ पर मोलर मास भी तो आएगा, मोलर मास कितना होता है, 4 होता है ना, ठीक है, मोलर मास 4 ही तो होता है, ठीक है, समझ गए, बोलो बोलो, समझ गए, ठीक है, आर की वैल्यू भी पुट कर दो 0.0821, ठीक है, बस यहाँ पर अब इनकी वैल्यू भी पुट कर दो, ठीक है, सबसे पहले वॉल्यूम ऑफ बैलून निकाल लो, क्या आएगा, 4/3 πr³, ठीक है, क्या बन जाएगा, 4/3 πr, क्या हो जाएगा मेरा यहाँ पर, आर कितना गिवन है, 10 to the power 3, तो इसको सोल्व करूंगा तो मेरा कितना आ जाएगा,
4186.66 मीटर क्यूब। ये आया सबका, ये आया बताना, आधा का तो यही नहीं आया होगा। ठीक है, अब बस मुझे यहाँ पर ये वैल्यू पुट करनी है। ठीक है, डेंसिटी ऑफ एयर मुझे कितनी गिवन है, 1.2। ठीक है, और बाकी यहाँ पर भी मुझे क्या वैल्यू पुट करनी है ये। ठीक है बोलो। ठीक है बोलो बोलो बोलो, नहीं समझ आया बेटा? ध्यान से सुनो, रुको ध्यान से सुनो, मैं दोबारा करता हूँ, तुम पता नहीं कौन सी दुनिया में होते हो, ध्यान से दोबारा इधर से सुनो। ठीक है, सबसे पहली बात है, देख मुझे मास ऑफ एयर निकालना है, वो क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ एयर इंटू उसकी डेंसिटी माइनस मास ऑफ गैस प्लस मास ऑफ बैलून। इतनी बात सबको क्लियर है? ठीक है बताओ, इतनी बात सबको क्लियर है? अभी मैं तुम्हें बताया क्या बताया था, वॉल्यूम ऑफ एयर डिस्प्लेस्ड किसके इक्वल होती है, वॉल्यूम ऑफ बैलून के इक्वल होती है, बोलो होती है नहीं होती? तो मैं यहां पर वॉल्यूम ऑफ एयर की जगह वॉल्यूम ऑफ बैलून लिख सकता हूँ, इंटू डेंसिटी ऑफ एयर माइनस मास ऑफ गैस प्लस मास ऑफ बैलून। बोलो इतनी बात आपको क्लियर है? हर पॉइंट पर बताओ क्लियर है? इतनी बात यहां से मैंने बस इसको ये लिख दिया, बोलो इतनी बात क्लियर है? ठीक है, वॉल्यूम ऑफ बैलून कैसे निकालूंगा मैं, 4/3 πr³ से निकालूंगा। ठीक है, 4/3 πr³, आर की वैल्यू पुट कर दो। ठीक है, आर की वैल्यू पुट कर दो, क्या आ जाएगी, 10^3। इसको अगर मैं सोल्व करूंगा तो मेरा क्या आ जाएगा, 4186.66 मीटर। इतनी छोटी सी बात है, वैल्यूज पुट करनी है, तुम उसमें घबरा रहे हो। बोलो वॉल्यूम ऑफ मेरी बैलून आ गई, बोलो बोलो आ गई। अब यहां पर मैं लिख सकता हूँ वॉल्यूम ऑफ बैलून कितनी आ जाएगी, 4186.66 इंटू, ठीक है, 1.2 kg/m³ है, इसको मीटर यूनिट के साथ भी लिख लो लो। ठीक है, ये मेरा मीटर क्यूब है। ठीक है, इतनी बात समझ गए? बोलो इतनी बात समझ गए बेटा? बच्चे कुछ बच्चों को पता नहीं क्या दिक्कत आ रही है। ठीक है, उसके बाद मेरा मास ऑफ गैस है। ठीक है, मास ऑफ गैस निकालना है मुझे। ठीक है, तो मुझे मास ऑफ गैस तो उन्होंने क्वेश्चन में डायरेक्टली नहीं दिया, लेकिन उन्होंने मुझे क्या दे दिया, ध्यान से सुनना, उन्होंने बोला मुझे मुझे ये दिया, पीवी इक्वल टू एनआरटी होता है, तो मैं ये लिख सकता हूँ, पीवी इज इक्वल टू गिवन मास, ठीक है, गिवन मास बाय मोलर मास इंटू आरटी। बोलो अगर मुझे ये मेरा क्या होता है, ये मास ऑफ गैस, तो मास ऑफ गैस कितना आ जाएगा, पीवीएम बाय आरटी। ये मुझे बता दो, तुम्हें पता है आइडियल गैस जो होती है, ठीक है, जो गैस होती है वो मेरी जो वॉल्यूम कितना ऑक्यूपाई करती है, जितना उसका कंटेनर का वॉल्यूम होता है। बोलो तो यहाँ पर ये मेरा क्या बन जाएगा, अभी इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, वॉल्यूम ऑफ बैलून इंटू टी, बोलो लिख सकता हूँ, बोलो इंटू ये, ठीक है, ये मोलर मास ऑफ मेरा ये दिया, इतना लिख सकता हूँ, बताओ बोलो इतनी बात समझे? ठीक है, तो मैं यहां से मास निकाल सकता हूँ इसका, मास ऑफ गैस इसकी वैल्यूज पुट करके, ये वाली बात मैं नीचे वाली रब कर रहा हूँ, ठीक है, ये वाला पार्ट। ठीक है, अब मुझे बता दो यहाँ पर अगर मैं वैल्यूज पुट करता हूँ, ठीक है, अगर मैं यहाँ पर वैल्यूज पुट करता हूँ तो मेरा प्रेशर कितना गिवन है, 1 atm। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ बैलून कितना है मेरा, वॉल्यूम ऑफ बैलून 4186.66, नहीं यही है ना, हाँ ये है या नहीं है, बोलो बोलो बोलो, ये है। ठीक है, उसके बाद मेरा मास ऑफ हीलियम क्या है, मेरा 4 है या नहीं, बोलो। ठीक है, तो यहाँ पर हमने सारी वैल्यूज पुट कर देना इधर, ठीक है, आरटी की भी पता तुम्हें। ठीक है, तो मेरी वैल्यू अराउंड कुछ आ जाएगी 6/7/9 kg, या कुछ उसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, और 6/7/9928.54 ग्राम। ठीक है, इसको सोल्व तो तुम कर सकते हो, बोलो। ठीक है, सोल्व तो कर सकते हो, हाँ बेटा, इसको केजी में जरूर कर लेना, इसको इसको वॉल्यूम को, सॉरी वॉल्यूम को लीटर में जरूर करना। हमारी वॉल्यूम कितनी आई अभी, ठीक है, अभी हमारी वॉल्यूम कितनी आई थी, 4186.66, इसको लीटर में करो कितना आ जाएगा, ये होगा ना, तो बेटा इसको लीटर में जरूर करना। ठीक है, यहाँ पर इसको लीटर में करना रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, ठीक है, लीटर में हो गया। ठीक है, मोलर मास मुझे 4 पता ही है। ठीक है, इसको भी केजी में कर लो, केजी में रहने तो हम ग्राम में पुट करेंगे, ठीक है, क्योंकि हम जनरली सब कुछ ग्राम वाला करते हैं ना। ठीक है, आर की वैल्यू क्या पुट करोगे, 0.0821 इंटू 300। ठीक है, तो तुम्हारा ये आंसर आ जाएगा, बोलो आ जाएगा नहीं आ जाएगा?
बोलो आ जाएगा ये, बोलो ठीक है। अब यहाँ पर मास ऑफ गैस कितने आ जाएगी, 679 kg, ठीक है, मैंने केजी में पुट कर दिया, ठीक है, क्योंकि ये भी मेरा क्या आया, केजी में आया, ठीक है, ये भी मेरा केजी में आएगा, 4186.66 into 1.2 कितना बन जाएगा मेरा, इसकी मैं डायरेक्ट वैल्यू लिख देता हूँ, ये मेरी आ जाएगी 5024 माइनस, ठीक है, ये कितना 674 प्लस मास ऑफ बैलून कितना था इतना, ठीक है, तो मेरा कितना बन जाएगा 679 प्लस 100 799, और इसकी मेरी कितनी वैल्यू आ जाएगी 4244। अब समझ गए, इससे ज्यादा नहीं हो सकता, अब समझ गए, बोलो, अब समझ गए, बोलो बेटा। चैप्टर तो अभी खत्म करना था, लेकिन आज तुमने टाइम वेस्ट कर दिया बहुत, ठीक है, देखो ये समझ गए, बोलो, कर दूर आप, कर दूर आप, ठीक है। उसके बाद देखो, उसके बाद एक फॉर्मूला है बस, रिलेटिव ह्यूमिडिटी, उसमें तुम्हें कुछ भी नहीं करना, पेलोड तुम सीख गए हो, ठीक है, मैंने दोनों क्वेश्चन करा दिए डिफरेंट डिफरेंट टाइप के, ठीक है, तो एक फॉर्मूला बस लिख लो रिलेटिव ह्यूमिडिटी का, रिलेटिव ह्यूमिडिटी का एक फॉर्मूला लिख लो बस, ठीक है। क्या होता है मेरा, पार्शियल प्रेशर ऑफ वाटर, पार्शियल प्रेशर ऑफ वाटर अपॉन वेपर प्रेशर ऑफ वाटर, बस ये कुछ भी नहीं करना, तुम्हें रिलेटिव ह्यूमिडिटी का फॉर्मूला लिखना था, और कुछ नहीं, बोलो समझ गए, बोलो, ठीक है, ये फॉर्मूला है बस रिलेटिव ह्यूमिडिटी का, कितना लिख लिया। हाँ बेटा भी कराऊंगा, अमीश अमीश होगा होगा होगा, विस्कोसिटी भी होगा, विस्कोसिटी भी होगा, सरफेस टेंशन भी करवाऊंगा, ठीक है, इतना हो गया सबका, बोलो, ठीक है। एक और लो होता है, तुमने कभी पढ़ लो, ये भी लिखी लो, ठीक है, एमागट लो ऑफ पार्शियल प्रेशर, ये कई बार तुम पढ़ सकते हो, इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी तुम लिख लो, ठीक है, बड़ा टॉपिक कराने का तो टाइम बचा नहीं है, तो तुम यही वाला छोटे छोटे चीजें लिख जो रहेगा, ठीक है बेटा। एक लो है, ठीक है, एक लो होता है, जैसे भी हमने डाल्टन्स लो किया था ना वहां पर, तो ये इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये कई बुक्स में लिखा भी होता है, ठीक है, कभी तुम अपनी बुकलेट पढ़ोगे तो कहोगे सर आपने ये कराया नहीं था, ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी लिख लो, ठीक है, कुछ भी नहीं है इसमें। जैसे हम क्या बोलते थे वहां पर, हम क्या बोलते थे, जो मेरा पी टोटल है वो किसके इक्वल होगा, P1 + P2 + P3, ऐसे बोलते थे डाल्टन्स लो में, बोलो ये बोलते थे ना, ये बोलते थे ना, बताओ प्रेशर, ठीक है, तो यहाँ पर मेरा क्या होता है, जस्ट उसका सेम है, यहाँ पर मैं क्या बोलता हूँ, जो मेरी वॉल्यूम टोटल है तो किसके इक्वल है, V1 + V2 + V3 --, लेकिन यहाँ पर मेरा क्या होना चाहिए, प्रेशर और टेम्परेचर कौन, ये कुछ भी नहीं है इस लॉ में, लेकिन तुम्हें बस पता होना चाहिए, ठीक है, समझ गए, बोलो, लिख लिया, ठीक है, बोलो लिख लिया, ठीक है बेटा। फिजिक्स नहीं पढ़ रहे हम, फिजिक्स नहीं पढ़ रहे, 100 है बेटा, 100 100 100 100 100 बेटा, पार्शियल प्रेशर ऑफ वाटर डिवाइड बाय वेपर प्रेशर ऑफ वाटर into 100, ठीक है क्या बेटा, बोलो, हाँ होगी 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 सब होगी, हाँ बेटा, कल के चैट मैं खत्म कर दूंगा, आज ही खत्म हो जाता, बस मुझे थोड़ी थोड़ी टर्म्स ही बतानी थी, अब कुछ ऐसा बचा नहीं, ठीक है, अब तो टाइम ही हो गया, अब कुछ बताने स्टार्ट करूंगा कुछ फायदा नहीं, ठीक है, क्योंकि नया टॉपिक होना है, मॉलिक्यूलर कोलिजन पढ़ना है, ठीक है, उसके बाद विस्कोसिटी वगैरह बताना है, बहुत छोटी, सुनो मेरी बात सुनो ध्यान से सुनो, पहले आज ही बता देता हूँ, टाइम है, ठीक है, एक बात ही बता रहा हूँ, टाइम है, ठीक है, ध्यान से सुनना, जो मेरी सरफेस टेंशन है, ठीक है, तुम्हारी एनसीईआरटी में एक टॉपिक होगा, एनसीईआरटी में एक टॉपिक होगा जिसका नाम क्या होगा, प्रॉपर्टीज ऑफ लिक्विड, ठीक है, मतलब लिक्विड पार्ट होगा लास्ट में, एक पेज पे, दो पेज पे होगा, ठीक है, हाँ बेटा होगी होगी, ठीक है, ये वाला टॉपिक है ना, इसमें तीन टॉपिक की जाती है, एक वेपर प्रेशर, एक सरफेस टेंशन, ठीक है, एक विस्कोसिटी, ठीक है, हमें तीन प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं लिक्विड की इस चैप्टर में, ठीक है, और ये चैप्टर में दोबारा सुन लो, ये वेपर प्रेशर जो होता है ये तुमने 12th में बहुत डीप में पढ़ना है, जो सॉल्यूशन चैप्टर होता है ना वहां पर तुमने इसको बहुत डीप में पढ़ना है, सरफेस टेंशन और विस्कोसिटी ये तुमने फिजिक्स में फ्लूइड मैकेनिक्स में भर भर के पढ़ना है, ठीक है, तो हम इसके बारे में इतना डिस्कस करेंगे भी नहीं, और केमिस्ट्री में इसके बारे में कोई पूछा भी नहीं जाता, कभी नहीं पूछा जाता, ठीक है, बस मैं तुम्हें इनका मतलब बता दूंगा, ठीक है, बस फटाफट मतलब सीख लेंगे, होता क्या, ये क्या होता है, वेपर प्रेशर क्या होता है, बाकी
ये डिटेल में तुम फिजिक्स में पढ़ते हो, ठीक है, ये दोनों चीजें तुम्हें पता है, फ्लूइड मैकेनिक्स आएगी, ये तुम वेपर प्रेशर, वहां पर 12th में सॉल्यूशन चैप्टर आएगा, उसमें पूरे चैप्टर में हम वेपर प्रेशर की बात करेंगे, ठीक है। तो ये तीनों चीजें जो होती है इस चैप्टर में हम रखते नहीं है, क्योंकि हम गैसीय स्टेट पूरा मान लेते हैं। यूडोमेट्री करवा दूंगा, यूडोमेट्री बेटा तुमने मोल कर लिया ना, मोल कर लिया तो वैसे ही होते हैं, कुछ उसमें फर्क नहीं, ठीक है, तो कुछ ज्यादा फर्क नहीं है। यूडोमेट्री यूडोमेट्री तुम उससे मोल से भी क्वेश्चन करते हो, लेकिन मैं तुम्हें करवा दूंगा, ठीक है, कल हम सारा कुछ फटाफट खत्म कर देंगे बेटा। ये लो पार्शियल वॉल्यूम हो गया ना, ठीक है, बोलो भाई। पार बहुत बढ़िया रहा, एडवांस का रिजल्ट भी, कहां पर मैंने प्रेशर लिख दिया, कहां पर, हाँ यहाँ वॉल्यूम आएगा, यहाँ वॉल्यूम कर दो यार, यहाँ वॉल्यूम आएगा, वॉल्यूम बेटा वॉल्यूम ऐड कर देता, वॉल्यूम कम हो जाते बिल्कुल, ठीक है, बोलो, ठीक है, हाँ बेटा एनसीईआरटी पढ़ना स्टार्ट कर दो, लिक्विड चैप्टर पॉइंट तक सारा पढ़ डालो, लिक्विड लिक्विड भी पढ़ डालो, क्योंकि लिक्विड वाला पार्ट थ्योरी वाला है, कल मैं एक बार बस तुम्हें ओवरव्यू दे दूंगा कि क्या क्या होता है, ये क्या होता है, वो क्या होता है, क्योंकि डिटेल में तुमने फिजिक्स में पढ़ना ना केमिस्ट्री में पूछा जाता है, ठीक है। तो इस चैप्टर को जितना हो सकता है पढ़ लो, हाँ पढ़ लो, पढ़ लो पूरा चैप्टर, पढ़ डालो पूरा चैप्टर, पढ़ डालो, तुम्हारा लगभग चैप्टर हो चुका है, इंपॉर्टेंट पार्ट सारा हो चुका है, मतलब कि यही होता है, जो आगे वाला पार्ट है ना वो इंपॉर्टेंट भी नहीं है अगर हम देख के रिलेटिव इसके, ठीक है, लेकिन हमें करना तो पड़ेगा सब, क्योंकि कुछ भी पूछा जा सकता है।